दक्षिण कश्मीर के सोपिया जिले के जैनपोरा बेल्ट के सुगन गांव में सरकारी बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर मुठभेड़ चली। दो आतंकवादी मारे भी गए। इलाके में सीज ऑपरेशन के दौरान दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों को बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन बलों पर गोलीबारी की, जिनके परिणाम स्वरूप दो आतंकवादियों को मार दिया गया था। पुलिस सेना की 4RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी पर एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया। बलों की संयुक्त टीमों ने संदिग्ध स्थान की ओर रुख किया। छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जो एक मुठभेड़ को टिकट करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। इस बीच एहतियात के तौर पर जिला सोपिया में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से सुहेब रंगरेश की खास रिपोर्ट।